सो लेट्स फाइंड आउट टॉप 10 म्यूजिक्स दैट वर ट्रेंडिंग दिस वीक. मतलब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है. लेट्स फाइंड आउट वन बाय वन टॉप 10 म्यूजिक्स द केरला स्टोरी. आई नो कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कार्तिकेय 2, कंतारा, कश्मीर फाइल, जो अपने कॉन्टेंट के बेस पे आगे बढ़े हैं. और दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ईयर. इसका फ्राइडे का कलेक्शन अराउंड 8 crores था और मंडे का कलेक्शन 10 crores था. नॉर्मली मंडे का कलेक्शन फ्राइडे से कम होता है अनलेस अंटिल इट इज अ हॉलीडे, बट दिस टाइम इट्स मंडे 10 crores एंड फ्राइडे 8 crores और ट्यूजडे इसका 11 crores, मतलब 10% ग्रोथ. एंड दिस वॉज द न्यूज ऑफ द वीक. सेकेंड वन, जवान का टीजर आ गया है जहां पे उन्होंने डेट अनाउंस की है. आई नो कि जवान 2 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब तक कोई प्रमोशन, ट्रेलर, क्लिप्स कुछ नहीं था. लेकिन फाइनली शाहरुख खान ने अपने पेज पे जवान का टीजर डालते हुए ये अनाउंस किया है कि जवान विल बी रिलीजिंग ऑन 7 सितंबर दिस ईयर. इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर. सो लेट्स फाइंड आउट कि शाहरुख खान की प्रीवियस फिल्म पठान का ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है या नहीं. आदि पुरुष ट्रेलर, दिस इज द 3rd न्यूज विच वॉज ट्रेंडिंग लास्ट वीक. इस ट्रेलर को ग्लोबली रिलीज किया है विद मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड द मूवी विल बी रिलीजिंग ऑन जून 16, 2023. और जिस तरीके का इसका टीजर और ट्रेलर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे VFX की बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो हमने टीजर देखा था एंड वी नो कि व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी गोइंग बैक देन, बट नाउ दे हैव इंप्रूव्ड द VFX और बहुत ही अच्छे खासे VFX दिख रहे हैं. म्यूजिक, साउंड एंड डायलॉग डिलीवरी इज एपिक इन दिस ट्रेलर राइट नाउ. और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आ रहा है एज कम्पेयर टू द टीजर दे हैव वॉच्ड लास्ट ईयर. फोर्थ न्यूज इज सोनू सूद इज वर्किंग ऑन हिज एक्शन ओरिएंटेड फिल्म फतेह. और इस एक्शन ओरिएंटेड फिल्म के लिए उन्होंने जुरासिक पार्क 3, एक्समैन, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के डायरेक्टर ली विटाकर को लिया है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि ये फिल्म एक्चुअली में एक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म लगे. सो लेट्स फाइंड आउट कि उनकी ये फिल्म कितनी हिट होती है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा की नई फिल्म जोगिरा सारा ररा इज पोस्टपोन टू 26 मई. As told by the director Kushan Nandi, because उनका कहना है कि since 12th May, 19th May is very much cluttered with other films, so that's why he wanted a safe date and that's why they chose 26th May. जितनी चर्चा आदि पुरुष के ट्रेलर की हो रही है उतनी चर्चा आदि पुरुष के ट्रेलर लॉन्च की भी हो रही है, जहां पे कृति सेनन दिखाई दे रही है फ्लोर पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को ये एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है और बहुत सारे लोग उनको एक हम्बलनेस का प्रतीक भी मानते हैं. इन द सेम ट्रेलर लॉन्च प्रभास एड्रेस द ऑडियंस बाय सेइंग जय श्री राम. ऑडियंस वेंट क्रेजी. और जिस तरीके का माहौल इस मूवी का पहले था और जो अभी बदल रहा है, आई होप जो मेकर्स ने इस मूवी के बारे में सोचा है उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट हो. हाल ही में मनोज वाजपेयी की एक बंदा काफी है मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ. एंड मनोज सर इज एज ऑलवेज आउटस्टैंडिंग इन दिस रोल. इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ एडवोकेट हु इज गिविंग जस्टिस टू अंडर एज गर्ल हु इज रेप बाय अ सो कॉल्ड गॉडमैन. अब इस ट्रेलर के लॉन्च होते ही आसाराम बापू ट्रस्ट ने इस फिल्म को लीगल नोटिस दिया है टू स्टॉप द रिलीज एंड टू स्टॉप द प्रमोशन. जिसके बदले मेकर्स का ये कहना है कि दिस इज नथिंग बट अ बायोपिक ऑन द एडवोकेट हु हैज वन अ केस अगेंस्ट मेनी करप्टेड पर्सनालिटीज. अनिल शर्मा हु इज द डायरेक्टर ऑफ गद्दर 2 द कथा कंटिन्यूज हैज डिक्लेयर्ड द रिलीज डेट एंड दैट इज 11th August. जैसे हमें अच्छे से पता है कि गद्दर का फर्स्ट पार्ट वॉज अ ब्लॉकबस्टर एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग मच मोर इन द सेकंड पार्ट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट. 9th ट्रेंडिंग न्यूज इज SS राजामौली महाभारत. यस, SS राजामौली इज नाउ वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री एंड मेनी पीपल आर क्यूरियस अबाउट हिज नेक्स्ट स्टेप्स एंड ही हैज डिक्लेयर्ड दैट कि मेकिंग अ फिल्म लाइक महाभारत इज हिज ड्रीम. और वो अगर बनाने जाए तो वो 10 पार्ट की एक फिल्म होगी जिसके लिए वो कास्टिंग के लिए बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं. सो लेट्स फाइंड आउट वेदर दे कैन डू दिस और नॉट. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज किसी का भाई किसी की जान. द मूवी इज स्ट्रगलिंग इवन टू अर्न 1 crore राइट नाउ. और जिस तरीके की इसकी शुरुआत हुई थी और जिस तरीके के रिव्यूज आए, दिस इज वेयर द मूवी वॉज हेडिंग. सो लेट्स फाइंड आउट वेदर किसी का भाई किसी की जान कैन क्रॉस 125 crores बाय द एंड ऑफ द मंथ. सो दिस वर द टॉप 10 न्यूज ऑफ द वीक.